रूपा जी, बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ जिनका सवाल लगातार सरसों को लेकर आ रहा है। सब जानना चाह रहे हैं कि सरसों में इस समय क्या करके चलना सही रहेगा। रूपा जी, हम देख रहे हैं कि सरसों की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी तो देखने को मिली है, लेकिन ज़्यादा तेजी भी इतनी देखने को नहीं मिली है जो लेवल्स पहले वाले देखने को मिले थे। और मार्च में देख बताया जा रहा है कि न्यू अराइवल्स का आगमन हो जाएगा, नई आवकें मार्च में आना शुरू हो जाएंगी। ऐसे में आपको क्या लगता है, जब नई आवकें आएंगी सरसों की, तो क्या जो पुरानी सरसों होगी उसकी कीमतों में इतनी ही तेजी रहेगी या फिर कीमतें थोड़ी घट सकती हैं? देखिए, जब अराइवल आएंगी तब जरूर अराइवल प्रेशर के चलते दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन अराइवल कैसे रहते हैं इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और अभी जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो बहुत ज्यादा तेजी का नहीं है। मैं लगातार यही बोलती आ रही हूँ एडिबल ऑयल पैक में अब यहाँ से अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बाजार जो है बहुत ज्यादा गिरेंगे भी नहीं, लेकिन उठते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक सीमित दायरे में घूमते हुए दिखाई दे सकते हैं, चाहे वो सरसों हो, सोयाबीन हो या फिर रिफाइंड सोया ऑयल हो। तो एडिबल ऑयल पैक में अभी फिलहाल मूवमेंट जो है वो साइडवेज बनी रह सकती है। जी रूपा जी, कुछ दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं सरसों को लेकर ही कि सरसों को अभी रोक के चले या बेच कर। देखिए, अभी ये वाले टाइम फ्रेम के दौरान जो भी अपसाइड मोमेंटम मिलता है मेरे हिसाब से तो उसमें पोजीशनों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि आगे अराइवल प्रेशर के चलते कुछ दबाव तो आता हुआ आगे चल के दिखाई देगा। अब ये जो टाइम फ्रेम है इसके अंदर थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ सकता है, उस बाउंस बैक के अंदर लिक्विडेट करना चाहिए। जी,